हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। क्या चीज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एलजेब्रा का पहला लेक्चर जो बेसिक था वो सब कुछ मिक्स था, उसमें कुछ कैलकुलस भी था, कुछ आपका थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक भी था, थोड़ा बहुत आपका ट्रिग्नोमेट्री था, थोड़ा बहुत आपका उसमें ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी था। सब कुछ मिला के हमने पढ़ा अभी तक बेसिक में, जिसके कि हमें पूरे थ्रू आउट 2 साल के दौरान हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो वो हमने बेसिक खत्म कर लिया, अब हम बात करेंगे, आज से हम पढ़ेंगे अपना नया लेक्चर। कौन सा नया टॉपिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले तो टॉपिक का नाम ही लिख देते हैं कि अपने को पढ़ना है, आज से नया चैप्टर है ये। टॉपिक क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट करने से पहले, चूंकि हमको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक यानी 2 डिग्री तक ही पढ़ना है, पर कुछ कुछ चीजें हम 3 डिग्री 4 डिग्री 4 यानी क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और कुछ हम ज्यादा ही डिग्री के भी आइडिया लेंगे इसमें, इस चैप्टर में। पर बेसिकली फोकस्ड जो हमारा होगा, टोटल फोकस्ड होगा, वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक क्लास कक्षा 10 की जो कुछ बातें, जैसे पॉलिनोमियल हो गया और आपका कुछ पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज हो गई, वो चीजें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक की तरफ अपना मूव कर जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला इसका पॉइंट अगर मैं लिखूं तो वो होता है पॉलिनोमियल। सबसे पहला अगर पॉइंट मैं लिखूं तो वो होता है कि पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। पॉलिनोमियल तो एक बहुत ही गंदी सी दिखने वाली इक्वेशन की, एक बहुत ही गंदी सी दिखने वाली इक्वेशन, मतलब ए इक्वेशन, अब मैं तो लिख नहीं सकता गंदी सी, पर होती बहुत गंदी सी इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म में, तो ऐसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ, मैंने लिखा a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट। ऐसे ही कहीं पे a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, इस टाइप की कुछ दिखने वाली इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल वेयर यहां पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि जो ये n है ना, वो n बिलोंग टू होल नंबर। मतलब होल नंबर का मतलब क्या है कि जो n है वो या तो नेचुरल नंबर हो सकती है या जीरो हो सकता है। मतलब पावर या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए, ना ही क्या क्या नहीं हो सकता है, n क्या क्या नहीं हो सकता है, निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। ये भी समझने वाली बात है कि n क्या नहीं हो सकता है, होगा तो ये ठीक है, क्या नहीं हो सकता, निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, n क्या नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, q नहीं हो सकता रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर, मतलब 1/2, 2/3, 3/2 ऐसे टाइप का कुछ नहीं हो सकता n, और क्या नहीं हो सकता, कोई भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। मतलब पावर जो होनी चाहिए, जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, जिसमें मतलब n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की नंबर्स को हम ले लें तो वो कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे हमने तो n के बारे में बताया, जो ये आपका दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं इसमें कि जो ये ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, डॉट डॉट डॉट, ये जो ए वन है, ए नॉट है, ये सब रियल नंबर हो सकते हैं, इनको कहा जाता है रियल कोफिशियंट। इनको क्या कहा जाता है, रियल कोफिशियंट। किसके किसके कोफिशियंट है, आपका कोफिशियंट है ये आपका यहाँ पे x की पावर n का an है, x की पावर n माइनस वन का an माइनस वन है। लाइक आपका ये ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ एक्स इक्वल टू या पी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखता है, p से पॉलिनोमियल, f से हम फंक्शन मानते हैं, तो ऐसे टाइप का लिखा जाता है। यहाँ पर ऐसे लिखे लिख सकते हैं कि कुछ a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस वन प्लस c x की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट
डॉट ऐसे ही कुछ मान लो लास्ट में कोई लेमडा लगा दिया कुछ भी, तो इस तरह की चीजें भी, तो ये x की पावर n का कोफिशियंट a, x की पावर n माइनस वन का कोफिशियंट b, x की पावर n माइनस टू का कोफिशियंट c, तो इस तरह की चीजें भी आपके सामने आ सकती है। तो ये सबको कोफिशियंट कहते हैं और इसकी वैल्यू रियल नंबर हो सकता है, मतलब ये सब आपके कैपिटल R यानी रियल नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपका इरेशनल भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं, क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं, ऐसा नहीं कि हम गलती से इसमें कॉम्प्लेक्स डाल दें कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्या, नहीं नहीं सिर्फ रियल, कि मतलब रूट टू रूट थ्री ये भी पाई वगैरह सब चल जाएगा और वन बाय टू वगैरह सब चल जाएगा, मतलब रियल कोई भी नंबर होगी तो वो चल जाएगी। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल अर्थवर्म की तरह काम करता है। अर्थवर्म की तरह काम करने का मतलब क्या है कि केचुए की तरह काम करता है, जैसे कि इसको किसी भी जगह से काट दो ना, आप किसी भी जगह से काट दो तो ये आपका फिर भी एक पॉलिनोमियल खड़ा हो जाता है, मतलब ये पूरा है। आप मान लो हमने पूरा इधर से उधर पूरा काट खत्म कर दिया, सिर्फ छोड़ दिया ए नॉट, क्या बच गया सिर्फ ए नॉट, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो मैं एक ही साथ अपना दो दो तीन तीन काम कर रहा हूं, नाम भी बता दे रहा हूं और अपना काम भी इसका बता दे रहा हूं कि हाँ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है ये, ठीक है। और मान लो कि आप इसमें से दो कट मार दो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री देखो, यहाँ पे डिग्री का मतलब जो होता है पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर समझो तो कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो अगर कहीं मैं लिख दूं यहाँ पे कि डिग्री का क्या मतलब होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो यह होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो x की सबसे ज्यादा पावर होगी वही इसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहां पे देखो, यहां पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर जीरो रहा होगा, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो का मतलब होता है वन, तो ये हो गया x की पावर जीरो। तो x की पावर जीरो मतलब ये पॉलिनोमियल है, डिग्री इक्वल टू है इसका यहाँ पे जीरो। दूसरा, मैंने यहां से मान लो कि दो कट मार दिया, यहां से पूरा हटा दिया, सिर्फ इतना पार्ट छोड़ा, तो ये भी आपके पास दिख रहा है ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री वन है, तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू वन। अच्छा, इसमें कितने टर्म हैं, इसमें कितने, पहले वाले में कितने टर्म है, एक। तो देखो, डिग्री के हिसाब से जो मैं लिख रहा हूं वो लीनियर लिख रहा हूं, जो ये नामकरण है, जो ये नाम दिया जा रहा है, ये नेम ऑन द बेसिस ऑफ, नेम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के नाम पे हम मैं दे रहा हूं इनका नाम। अगर ये हमको टर्म के नाम पे देना पड़ेगा तो वो हम दूसरे तरह से इनका नाम देंगे, अभी थोड़ी देर में लिखूंगा। ये एफिक्स आपका मान लो कि हमने एक और आगे से कट किया, तो ये हो गया ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री आपकी दो है, इसकी डिग्री कितनी है, तो अच्छा यहां पे मैं नाम भी लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको टर्म के हिसाब से अगर मैं नाम, अच्छा चलो लास्ट में लिखता हूं, नहीं तो इसी में सब एक ही में मिक्स हो जाएगा आपका। तीसरा, अगर मैं मान लो कि एक और मैं डिग्री बढ़ाया ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी है बच्चों इसकी, देखो हाईएस्ट पावर कितना है, तीन, तीन है तो क्यूबिक। अगर ऐसी एक और मैं, बस ये फाइनल, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा, ए फोर एक्स की पावर फोर प्लस ए वन ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक से मिलके भाई हो गया, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस ऐसा कुछ नाम नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री इज इक्वल टू चार, ठीक है। तो ये नाम हो किसके बेसिस पे हो गया, डिग्री के बेसिस पे। तो आपके सवाल जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ डिग्री के बेसिस पे नाम दे दे, नाम आपका अलग भी बोल देता है कई बार, मतलब आपका नेम मैं लिख रहा हूं, नेम ऑन बेसिस ऑफ टर्म,
टर्म के बेसिस पे ही इसका नाम हम लिखता है और बोलता है सवाल में कि ऐसा है। तो आप देखो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक मतलब नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू, यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू वन, अगर एक टर्म है तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? मोनोमियल। फिर अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है ए वन एक्स प्लस ए नॉट, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है दो, तो इसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, दो टर्म हो गया तो बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसको कि आप बाइनोमियल एक आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी दो टर्म हो गया, एफ एक्स इक्वल टू तीन हो गया तो ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए नॉट एक्स प्लस ए वन, ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, इसमें नंबर ऑफ टर्म तीन है, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ये देखो ऐसे इनके नाम से चलता है, इनके टर्म के हिसाब से इनका नाम चलता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर कभी क्वाड्रेटिक बोलेगा, क्वाड्रेटिक बोलेगा तो टोटल टर्म कितने अपने का मानने हैं तीन, एक दो टर्म में पूरा ही टर्म रहेगा। या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री दो तो उसका आपका टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, टर्म एक ज्यादा, जितना डिग्री उससे एक ज्यादा टर्म। जैसे देखो यहाँ पे डिग्री आपका चार है, टर्म कितना है एक दो तीन चार पांच टर्म है, यहाँ पे डिग्री तीन है तो एक दो तीन एक कुछ छूट गया है क्या इसमें, सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे हो गया आपका है तो ही, लेकिन मैं आप एक चीज छोड़ दिया यहाँ पे ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो मैक्सिमम पॉसिबल टर्म हो सकता है, देखो चार, एक दो तीन चार, चार टर्म हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो डिग्री दो तो मैक्सिमम पॉसिबल टर्म हो सकता है तीन, तो जितने डिग्री उससे एक ज्यादा। क्योंकि सवाल में अगर मान लो कभी बोल दिया कि एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप ये नहीं कि क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, लेकिन आप इतना लेके चलोगे तो गलतियां होने की संभावना है, चांस है। आपको क्या लेके चलना है, पूरा लेके चलना है, तीनों के तीनों टर्म लेके चलना है। तो क्वाड्रेटिक है तो तीन टर्म, आपका क्यूबिक है तो चार टर्म, बाइक्वाड्रेटिक है तो पांच टर्म, मतलब जितना डिग्री उससे एक ज्यादा टर्म। अगर कभी मोनोमियल बोला तो सिर्फ कांस्टेंट, बाइनोमियल बोला तो दो टर्म, ट्राइनोमियल बोला तो तीन टर्म, ऐसे आपका बढ़ते जाएंगे। अगर ऐसे उसका उसने बोलने का नाम बदलता गया तो हम टर्म लिखते जाएंगे, और इस तरह से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी चीजों को ध्यान रखेंगे। जरा आप आगे आते हैं नेक्स्ट, जरा सा और इसको थोड़ा और इरेज करके और पढ़ते, इरेज किया जाए इसको। तो चौथा पॉइंट है अपना, चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। चौथा पॉइंट है कि आपका जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और जरा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो एक बात होती है कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल क्या है, एक होता है कि भाई पॉलिनोमियल क्या है, और एक पॉलिनोमियल या फंक्शन के बारे में पूछा जाता है कि फंक्शन या पॉलिनोमियल क्या है, और एक होता है इक्वेशन। अगर कोई चाहे तो बताना चाहे तो बता सकता है कि पॉलिनोमियल, इक्वेशन, फंक्शन, या एक वर्ड होता है आइडेंटिटी। ये कुछ वर्ड्स है जिनको जानना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल को अगर मैं कहूं तो पॉलिनोमियल लाइक ऐसे कि एफ एक्स इक्वल टू अगर आपका लिखा है, मान लो कि मैं सिंपली लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, ये तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर यहीं पे अगर आपने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आपने कर दिया, तो ये कहलाता है इक्वेशन। जब आपका बिना जीरो का है तो कहलाएगा पॉलिनोमियल, इक्वल टू जीरो तो कहला गया ये आपका इक्वेशन। और आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी भी एक तरह की इक्वेशन ही होती है, जिसमें अब ये जो इक्वेशन है, जो सिर्फ जो इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ रूट्स ना, इसके फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसके फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी है, लाइक आपका जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये एक आइडेंटिटी है, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा, जितना जो वैल्यू चाहो वो वैल्यू रख लो सेटिस्फाई करेगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो ये आपका कहलाता है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन और आइडेंटिटी, इसमें इतना फर्क होता है बेसिक, कि जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर हो जाए तो आइडेंटिटी, जब सॉल्यूशन फाइनाइट हो जाए तो इक्वेशन, और जब आप एफ एक्स इक्वल टू ये रखो तो ये कहलाता है पॉलिनोमियल। अच्छा, तो पांचवे नंबर पे बात आते हैं,
एक वर्ड आता है जीरोज और एक वर्ड होता है रूट। एक वर्ड होता है जीरोज और एक वर्ड होता है रूट। तो इन दोनों का क्या फर्क है? ये बिल्कुल कक्षा 10 की बात है। जीरोज का मतलब कि वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स को हो या इसमें जो भी आप कहना चाहो कह लो, फॉर विच एफ एक्स बिकम जीरो, यानी आपका वो वैल्यू एफ एक्स बिकम जीरो, यानी पॉलिनोमियल बिकम जीरो। एफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल बिकम जीरो। अगर आपका पॉलिनोमियल की एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वो कहलाता है आपका जीरो। जैसे कि देखो मैं एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक लिखा या पी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा एक वो एक लाइन कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसमें अगर हमने एक्स की वैल्यू आपका एक्स की वैल्यू वन डाला तो वैल्यू कितनी आ गई, वन माइनस फाइव प्लस सिक्स, क्या आपका पांच और एक छह और एक सात में से पांच निकलेगा तो दो बच जाएगा। यही पी आप टू डाला तो ये आप जरा देखो कितना हो जाएगा, फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, क्या ये जीरो हो गया क्या? तो जो टू है वो इसका जीरोज कहलाएगा कि ये इसका जीरोज है। तो रूट्स क्या होता है सर? फिर रूट्स मतलब जीरो, देखो ये बात एक ही होने वाली है, आप देखो ध्यान से, रूट्स क्या होगा कि वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आपको कहलाता है, जो वो कहलाता है रूट। जैसे मान लो यही पे इक्वेशन का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो बोलो एक्स इक्वल टू टू इसको सेटिस्फाई करेगा, जीरो कर देगा, तो एक्स इक्वल टू टू इसका रूट्स कहलाएगा। मतलब रूट्स और जीरोज है एक ही बात, एक ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि एक पॉलिनोमियल के लिए है और एक इक्वेशन के लिए है। तो ये है पॉलिनोमियल, ये है रूट्स, ये तो आपका बिल्कुल बेसिक हो गया। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, छठे नंबर पे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पढ़ना यही है हमें बेसिकली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो एक ऐसी इक्वेशन या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू लाइक सच एज एफ एक्स इक्वल टू, देखो मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बस आपके सामने रख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात कर दें तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक देन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू सच एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसमें ए बी सी आपके सबके सब रियल नंबर होंगे, आर पे से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर होंगे। आ रही बात बच्चों समझ में? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा सर? यानी यहीं पे सातवें नंबर पे अगर मैं लिखूं कि सर जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो बस इसी पॉलिनोमियल को आप कर दो जीरो, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये आपकी कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसको बराबर जीरो के बराबर पुट कर देंगे तो कहलाएगी इक्वेशन जिसमें कि आपका ए बी सी सबके सब आपका रियल नंबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जरा और भी कुछ बातें लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं इसके कुछ भाग लिख रहा हूं कि अगर मैंने यहाँ पे a बराबर जीरो कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये इसको देखो लिखने का इसका जो नाम है ना, ये नाम क्या हो जाता है इसका, ये नाम होता है कि होती है कि ऑड लीनियर, ऑड ऑड का मतलब डिग्री कितनी है इसकी, वन है, वन मतलब ऑड, और लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि वन को हम बोलते हैं लीनियर ही। तो सर जी यहाँ ऑड क्यों बोला गया है? बस बोला गया है, नाम है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या इसका है लीनियर इक्वेशन। तो बस खास बात है आपका ऑड सिर्फ इसका डिग्री लिया गया, मतलब कभी ऑड लीनियर इक्वेशन बोला तो आप कंफ्यूज मत हो कि आपकी डिग्री कितनी रखनी है या वो क्या होगा, सिर्फ नाम लिया गया है कि इसका नाम दिया है ऑड लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब डिग्री वन, ऑड मतलब सिर्फ वो डिग्री ऑड है इसलिए नाम लिया है, बाकी इसका मतलब एक, आप सिर्फ लीनियर इक्वेशन भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सवाल वाले ने अपनी तरफ से ऑड लीनियर इक्वेशन बोल दिया तो आप तो फंस जाओगे ना कि सर जी ये क्या नया चीज आ गया।
तो मेरा बताने का बस ये मतलब है कि नया नहीं है, इसको आप जानते हो, और लीनियर इक्वेशन भी आया है, तो bx plus c equal to सीधे लिख दिया। अगर मान लो कि b equal to zero हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ax square plus c equal to zero, इसको बोला जाता है वही इवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही बात है, सिर्फ नाम जान रहे हैं, बाकी किसी चीज से कोई फर्क अपने को पड़ नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि सर जी, अगर a बराबर c बराबर, अगर a बराबर और b बराबर दोनों बराबर जीरो हो गया, तो c हो जाएगा, c इक्वल टू जीरो, मतलब ये तो मजबूरी है जीरो होना, तो इसको हम बोलेंगे वही कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टर्म। एक बात और समझते हैं आठवें नंबर में, कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी भी तरह की पॉलिनोमियल की बात करें, हम इक्वेशन हटा देते हैं, अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लेता हूं, अगर कोई भी मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, ऐसे मान लो कि मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया, ऐसे मैंने लिया ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट आखिरी वाला टर्म ए वन एक्स प्लस ए नॉट, तो इसमें दो नाम हमको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। एक तो पहला एन को बोला जाता है, एन का नाम होता है आपका कि लीडिंग कोफिशियंट, एन का नाम होता है लीडिंग कोफिशियंट। लीडिंग क्यों, क्योंकि भाई इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम इस एक्स की पावर एन के डिग्री के बेसिस पे आएगा, मतलब सबसे किसका कौन होता है, कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, या हाईएस्ट पावर की कोफिशियंट को लीडिंग कोफिशियंट बोलते हैं। और C को क्या बोलते हैं, यानी कांस्टेंट, इसको जो लास्ट वाला टर्म है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, या कई बार इसको एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, कई बार इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म, इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट टर्म। तो सिर्फ ये नाम है, मतलब किसी भी इक्वेशन का या किसी भी पॉलिनोमियल का बारे में हम बात करें, या वही सेम चीज सेम फॉर इक्वेशन आप लिख सकते हैं आगे कि सेम नेम फॉर इक्वेशन, सेम थिंग फॉर इक्वेशन, सब कुछ इक्वेशन के लिए भी एक ही बात होती है, अलग से हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा उसके कोफिशियंट को लीडिंग कोफिशियंट, और आपका जो सबसे जो कांस्टेंट वाला जो एक्स से फ्री होगा, फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब जिसमें एक्स नहीं होगा, उस वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, और अभी तक 8 पॉइंट हुआ, तो 9th पॉइंट पे बढ़ते हैं, फटाफट 9th पॉइंट करते हैं, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट होगा बच्चों, जरा देखो, मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने रखा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा, जैसे कि मान लो मैंने लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो जरा देखो एक बात कि इस ए वाले टर्म का नाम हम क्या देंगे, ये ए बराबर को क्या बोलेंगे, कि ये है लीडिंग कोफिशियंट, इसी का नाम क्या होगा, यही है आपका लीडिंग कोफिशियंट, और सी को क्या बोलेंगे कि ये एब्सोल्यूट टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म है, या इसी का नाम है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, या कांस्टेंट टर्म नाम है, कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपका। अब अगर हम कहें कि जो अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका अगर हम कहें कि जैसे कि मान लो कि हम कहते हैं कि इसके रूट्स के बारे में ख्याल क्या है, इसके किसके बारे में, रूट्स के बारे में, तो इतना एक बात ध्यान रखना कि जितना किसी भी पॉलिनोमियल में जितना उसकी डिग्री होती है उतना ही उसके रूट्स होते हैं, जितनी डिग्री उतना रूट्स, अगर डिग्री दो रूट्स दो, डिग्री दस रूट्स दस, डिग्री पचास रूट्स पचास, ये सिर्फ किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए बात है। अगर कोई दूसरा फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, हम नहीं बात कर सकते, ई की पावर हो, हम नहीं बता सकते कि जितना उसका पावर होगा उतना ही उसके रूट्स होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए बात सत्य है कि जितने रूट्स होंगे जितने डिग्री होगा उतना उसके रूट्स होगा, इसके डिग्री, अच्छा क्लास टेंथ में आप लोगों ने निकाला होगा कि अगर हम रूट्स के बारे में बात करते हैं तो इसके रूट्स निकालने का तरीका वही बाबा को याद करेंगे, यानी श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, ये सी काम यूज करेंगे, इसको कि हम आगे से बाबा बोलेंगे कि बाबा रूल याद करेंगे, तो आप याद रखना कि हम क्या बोलने वाले हैं। तो
तो अब आवा रूल, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का, इसका रूट्स निकालने का तरीका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, इसी के इसी देखो यहाँ पे कुल मिला के दो बातें दो चीज है यहाँ पे, एक रूट आपका अल्फा है, मैंने माना कि एक रूट अगर अल्फा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट में, चूंकि ये सब आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके हो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इधर में, एक टू ए हो गया और एक रूट बीटा है, हमने मान लिया कि दूसरा रूट जो है वो बीटा है, तो बीटा हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस सॉरी माइनस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये तो आपका हो गया इसके बारे में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये हो गया आपका दूसरा वाला रूट हो गया। अब जरा इन दोनों रूट को अब एक काम कर लेते हैं, ये तो दो अपने पास रूट आ गए, अब जरा सर नाइन्थ के बाद टेंथ नंबर पे आते हैं, जरा इन दोनों रूट को एक बार ना जोड़ देते हैं, क्या एक छोटा सा काम कर रहे हैं बस, इन दोनों रूट को हम एक काम करते हैं जोड़ देते हैं, आप भी अब जोड़ के जरा देखो, जैसे ही आप इनको जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ते ही जरा आप जोड़ के देखो क्या मिल रहा है, जिसे जोड़ोगे तो एलसीएम सेम हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस वाला ये दोनों एक दूसरे को काट देगा, माइनस बी मिलकर माइनस टू बी हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टू बी अपॉन टू ए, और ये बी से बी कट गया आपका, दिया क्या यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट बस यही बात लिखेंगे कि आया हमारा माइनस बी बाई ए, यहां पर आया माइनस बी बाई ए, क्या आया दोनों रूट को जोड़ने पर आया, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा जरा दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई किया, देखो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर ए सी, ऊपर में फोर ए सी आ गया, नीचे में टू ए इंटू टू ए मल्टीप्लाई होकर फोर ए स्क्वायर हो गया, फोर से फोर कटा एक ए से एक कटा, मेरे साथ साथ देखो कैलकुलेशन, मेरे साथ साथ देखो बिना बोर्ड के कैलकुलेशन देखो, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बी दोनों मिलकर हो गया, फिर माइनस ये भी बी स्क्वायर, अब ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस फोर ए सी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, प्लस फोर ए सी अपॉन नीचे में टू ए इंटू टू ए फोर ए स्क्वायर, तो फोर से फोर कटा एक ए से एक कटा तो सी अपॉन ए बच गया, क्या बच गया, आप कर भी सकते हो बोर्ड यूज करके कर सकते हो सी अपॉन ए, आ रही बात समझ में। अब इन दोनों को घटा दो, जैसे ही हम इन दोनों को घटाएंगे जरा देखते हैं कि क्या बनेगा, इन दोनों रूट्स को घटा दो, घटाते ही अब देखो ये माइनस बी ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस बी और ये प्लस बी से कट जाएगा, ये माइनस ये तो प्लस ही है और ये माइनस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टू से टू कट गया, क्या बचा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए, ये बचा। एक बात और हम बताने जा रहे हैं, दोबारा मैं इस बातों को लिख रहे हैं कि जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो जाएगा यानी इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी बोला जाता है कि ये डी है, ठीक है। तो क्या हमारे पास फाइनली आया अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स आया माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं, देखो दोनों रूट्स को जोड़ा गया है तो हम इनको अल्फा प्लस बीटा के साथ साथ एक और नाम लेते हैं कि उस तरह से मैं लिख रहा हूं इसको कि इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, एस आर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आया माइनस बी बाई ए, और ये आया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ये आया अल्फा इंटू बीटा, ये आया आपका सी बाई ए, और एक आया डिफरेंस ऑफ रूट्स दोनों रूट को घटाने से डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये आया आपका अल्फा माइनस बीटा कितना आया अंडर रूट, देखो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई डी, तो अंडर रूट डी बाई ए, ये तीनों को एक साथ मिला के डब्बे में बंद कर दो। लेकिन एक खास बात है कि हर बार नीचे में लीडिंग कोफिशियंट आ रहा है, देखो आप हर बार
नीचे में क्या आ रहा है, लीडिंग कोफिशियंट आ रहा है। हर बार नीचे में लीडिंग कोफिशियंट, ए में ए में ए में हर बार आपका एक लीडिंग कोफिशियंट आ रहा है। ऊपर में सम ऑफ रूट्स में जितना हाईएस्ट है उससे एक कम डिग्री बाई ए, यहां भी ये कॉन्स्टेंट टर्म बाई ए, ये आपका एक सिस्टम ऑफ पैटर्न इसी पैटर्न पे बनता है। आगे जब क्यूबिक के बारे में बात करेंगे तो भी हम बताएंगे ये बातें, ठीक है। तो अभी अभी आया क्या, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में हम जान लिए। जैसे देखो अगर मान लो कोई एक सवाल मैं ले रहा हूँ, छोटा सा सवाल ले रहा हूँ, ये बिल्कुल अभी बेसिक ही चल रहा है। तो अगर हम बात करें, छोटा सा सवाल ले रहा हूँ मैं आपके सामने, जैसे मान लो कि आया आपका 3x² - 5x + 6 = 0। कोई आपसे पूछेगा इसे कितने रूट्स होंगे, तो हम कहेंगे कम से कम दो रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स, कम से कम इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है, दो रूट्स होंगे। दो रूट से कम भी हो सकते हैं रियल, देखो एक होता है रियल एक होता है इमेजिनरी, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे, आगे हम बात करेंगे। अभी हम कहेंगे कि इसके दो रूट होने के चांसेस हैं। दो रूट होने के चांसेस हैं क्या क्या, एक अल्फा एक बीटा। जरा सम ऑफ रूट्स डायरेक्ट बता दो, निकाल के बताने के बजाय डायरेक्ट निकाल दो, क्या हो जाएगा -b/a। कंपेयर करेंगे a की वैल्यू, कंपेयर करो किससे कंपेयर करना है, ax² + bx + c से कंपेयर करना है। a की वैल्यू कंपेयर करने से 3, देखो ये आपका आया 3, b की वैल्यू आई आपको -5, c की वैल्यू आई आपकी 6। तो आपका सम ऑफ रूट्स कोई पूछा है तो आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b/a, मतलब -(-+5)/a के जगह पे 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, c का मतलब 6 और a का मतलब 3, मतलब आ गया 2। अगर कोई डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछ लिया तो आप कहेंगे अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अंडर रूट में b² - 4ac/2/a, ये आप निकालना क्या आएगा। अभी उस पर हम नहीं कर रहे हैं कि अंदर में निगेटिव है कि पॉजिटिव, ठीक है। b स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 4, 4 तो 4, a के जगह पे 3, c के जगह पे 6 अपॉन आपका नीचे में आ गया 3। तो ये अल्फा माइनस बीटा, अब 25 में से ये आपका 72 निकालो तो ये होगा 25 - 72, आई थिंक 47 होगा, एक बार देख लेना कि आपका 47 हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये 47 माइनस में होगा, -47/3। अरे बात समझ में, तो ये आपकी जो चीज आ गई ये डिफरेंस ऑफ रूट्स आ गया। परेशान मत होना कि सर यहाँ अंडर रूट में निगेटिव आ गया, उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हम नेचर ऑफ रूट्स में डिसाइड कर लेंगे कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन फिलहाल में डिफरेंस ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हम निकाल लिए बिना सॉल्व किए, बिना रूट्स निकाले। तो ये आपका तरीका है इनको, ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में, उनके सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं इसको, थोड़ा और आगे तक पढ़ते हैं, यानी थोड़ा सा इसके पॉलिनोमियल को लिखना सीखते हैं, कैसे इन पॉलिनोमियल को रूट्स के टर्म में लिखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर से इसको शुरू करते हैं बच्चों।